हेलो एवरीवन, हमने मॉडर्न हिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट किया है और ये हमारा आज सेवेंथ क्लासेस है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वार्स वाले सेक्शंस को पढ़ रहे थे, तो वार में हमने देखा था कि जो डिफरेंट यूरोपियन पावर्स थे, जो पोर्चुगीज, डच, डेन्स एंड ये जो फ्रेंच थे, तो इन सब के साथ जो ब्रिटिशर्स कैसे टैकल करते हैं, तो हमने वो उन सब चीज़ों को देखा था। फिर उसके बाद जो है आज हम पढ़ेंगे कि इंडियन पावर्स के साथ वो कैसे कन्फ्रंट करते हैं, क्योंकि मुगल्स एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट होता है तो धीरे धीरे जो है छोटी छोटी रीजनल किंगडम्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इस टाइप के जो स्टेट्स हैं प्रोविंसेस में इवॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि कुछ प्रोमिनेंट है जहाँ पे ब्रिटिशर्स जिसके साथ कन्फ्रंट हुआ है, तो वो है बंगाल, मैसूर एंड मराठा एंड सिक्स, तो ये सारे हैं तो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है, क्योंकि ये जो है बंगाल, मैसूर एंड मराठा एंड सिक्स, इनके साथ जो ब्रिटिशर्स की जो वार होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंस के भी क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये काफ़ी जो है टेक्निकल चीज़ें हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बैटल्स हैं। एंग्लो मैसूर है वार, और एंग्लो मराठा है, एंग्लो सिख है, और बंगाल के साथ दो लड़ाई हुआ है जैसे कि प्लासी एंड बक्सर। तो इसका बैकग्राउंड को समझेंगे, जो इसका जो मतलब काफ़ी डिसिसिव बैटल्स है ये सारे, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हम जो है बंगाल को अलग वीडियो में पढ़ेंगे, एंग्लो मैसूर को अलग में पढ़ेंगे, फिर एंग्लो मराठा को अलग वीडियो में पढ़ेंगे, देन सिख को भी अलग में। फिर जो आगे की हमारा जो स्कीम रहेगा वो पॉलिसीज पे रहेगा कि ब्रिटिश पॉलिसीज के हिसाब से कैसे जो है कॉन्क्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आप जो है पढ़े होंगे कि फेमस कुछ पॉलिसीज है ब्रिटिशर्स की, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडी अलायंस और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इन सब के साथ जो है ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को कब्जा कर लेते हैं, एक वास्ट एम्पायर बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर आपने लास्ट क्लास की अगर देखा होगा तो वो हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया थ्रू वार इन यूरोपियंस पावर में, तो यूरोपियंस पावर के साथ जो है वो कैसे टैकल करते हैं। तो हमने देखा था लास्ट क्लासेस में कि जो है पोर्चुगीज के साथ जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते हैं और अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्या क्यों मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, क्योंकि जो है पोर्चुगीज होता है डच, उसकी जो मेन रीजन होता है गोवा, उसको कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर हेल्प लेने जाता है ब्रिटिशर्स का। तो वहाँ पे 1662 में जो मैट्रिमोनियल अलायंस होता है और बम्बई जो है डाउरी के रूप में मिल जाता है ब्रिटिशर्स को। और डच के साथ क्या होता है, वो वाली एम्बियोना वाली कहानी जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है जापान सॉरी डच वाले जो है जापान और ब्रिटिशर्स के जो है लोगों को मार देते हैं, फिर रिटेलिएशन में जो है एम्बियोना यानी इंडोनेशिया में अटैक करता है ब्रिटिशर्स, और फिर जो ट्रीटी होती है जिसमें ये बोला जाता है कि डच के पास जो भी चीज़ें होगा तो वो ट्रेड शिप कर सकता है इंडिया में और बाकी मिलिट्री एक्सपेडिशन या फिर कॉन्क्वर नहीं कर सकेगा। तो डच के साथ, तो डेनिस के साथ भी होता है कि डेन्स भी जो है वो मिशनरी एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और जो है डेन्स बैंकरप्ट हो जाता है, फिर अपनी जो है क्राउन को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी टेरिटरी, और लेटर जो है क्राउन जो है ब्रिटिशर्स को देता है। एंड एंग्लो फ्रेंच वार हमने देखा था जिसको कार्नेटिक वार भी कहते हैं, तो तीन कार्नेटिक वार हुआ था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कार्नेटिक वार को। तो हमने देखा कि पोर्चुगीज के साथ हमने देखा कि मैट्रिमोनियल अलायंस करता है तो वहाँ पे चीज़ें निपट जाती है पोर्चुगीज के साथ, और अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है डच के साथ जो है एम्बियोना इंडोनेशिया में होता है, और वहाँ पर रिटेलिएट करता है ब्रिटिशर्स, और यहाँ पे एक ट्रीटी होती है 1824 में जहाँ पे एंग्लो डच ट्रीटी होती है, और सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज होते हैं डच की वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 1825 तक जो है एंड हो जाती है डच की, और डेन्स जो है मिशनरी एक्टिविटीज़ में जो है इंटरेस्टेड रहता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, फिर जो है अपना उसका सेंटर हुआ करता है जो सेरमपुर यानी फ्रेडरिक नगर, तो उसका जो टेरिटरी होता है वो भी जो है जो डेनिस क्राउन को सबमिट कर देता है वो दे देता है डेन्स। एंड फ्रेंच में हमने देखा था कि फ्रेंच के और जो ब्रिटिशर्स के रैवली है वो काफ़ी जन्मों जन्मों का है, जैसा कि यूरोप में लड़ाई स्टार्ट होती है तो ये लोग यहाँ भी स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में। तो ये सारे जो देखने के लिए मिलता है, जो फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है वो स्टार्ट होता है ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन से स्टार्ट होता है, लेकिन फर्स्ट कर्नाटिक वार में जो है एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं जिसको जो है प्रूसिया कब्जा कर लेता है और ऑस्ट्रिया उसको अपना फिर से लेना चाहता है,
तो वहाँ पे यूरोप में ही थर्ड कार्नेटिक वार का भी रीजन रहता है, और वहाँ पे थर्ड कार्नेटिक वार होता है। तो पहला और तीसरा कार्नेटिक वार का रीजन कहाँ पे होता है? यूरोप में ही होता है। और सेकंड का कार्नेटिक वार का रीजन होता है वो इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंच होता है, इंडियन लोकल रूलर जो होते हैं उसके साथ इंटरफेयर करने लगते हैं ताकि वो ब्रिटिशर्स को हरा सके। तो सेकंड कार्नेटिक वार वैसे स्टार्ट होता है। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट कार्नेटिक वार में क्या था। फर्स्ट कार्नेटिक वार जो स्टार्ट होता है बैटल ऑफ सेंट थॉमस, जहाँ पे जो है मद्रास को अटैक कर देता है फ्रेंच। तो मद्रास किसके अंदर में होता है? कार्नेटिक, कार्नेटिक का राजा है अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन जाएगा लड़ने के लिए फ्रेंच से, तो और हार जाएगा अनवरुद्दीन। तो यहाँ पे बैटल ऑफ सेंट थॉमस में हार हो जाती है अनवरुद्दीन की। फिर है ये जो ट्रीटी, फर्स्ट कार्नेटिक वार जो खत्म होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चापल। एक्सला चापल कहाँ पे है? वो प्रुसिया के एक जगह है जहाँ पे ये ट्रीटी होती है। ट्रीटी ऑफ एक्सला चापल से ख़त्म होती है फर्स्ट कार्नेटिक वार, और जो मद्रास होता है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाता है, और क्यूबेक जो है कनाडा में होता है और उसको फ्रेंच को मिल जाता है, उसकी टेरिटरी रहती है। सेकेंड कार्नेटिक वार में हमने देखा था कि जो सेकेंड कार्नेटिक वार जो है इंटरनल जो यानी लोकल जो रूलर्स होते हैं उसके साथ जो इंटरफेयर करता है फ्रेंच, जिसके कारण जो है सेकेंड कार्नेटिक वार स्टार्ट होता है। यहाँ पे दो रीजन होता है, हैदराबाद एंड कार्नेटिक। तो हैदराबाद में जो ओपोजिशन होता है, कौन होता है ओपोजिशन? मुजफ्फर जंग होता है, जो चाहता है कि वो थ्रोन में बैठना, लेकिन गद्दे में कौन बैठा रहता है? नासिर जंग। तो वहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है। और जो फ्रेंच सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग यानी ओपोजिट वाले को, और ब्रिटिशर सपोर्ट करते हैं नासिर जंग हैदराबाद में। और वहीं पे जो कार्नेटिक में हमने देखा था कि कार्नेटिक में क्या होता है कि फ्रेंच अपोजिट वाले को यहाँ भी सपोर्ट करते हैं, जिस जो है अपोजिट वाले चंदा साहब जो दीवान है अनवरुद्दीन का, अनवरुद्दीन राजा है कार्नेटिक का, और राजधानी का है कार्नेटिक का, वो है अरकोट। तो अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये तीन लोगों का जो एलाइड फोर्स जाता है अनवरुद्दीन को जो है मार देता है, और वहाँ पे जो चंदा साहिब बैठ जाता है यहाँ पे कार्नेटिक में, एंड जो है नसीर जंग को जो है उसका एक नोबल मार देता है, और मुजफ्फर जंग के लिए गद्दी खाली हो जाती है, वो बैठ जाता है। तो स्टार्टिंग में जो है ये सेकेंड कार्नेटिक वार में जो है ब्रिटिशर्स का जो एलाई है वो हार रहा होता है, लेकिन एक जो काफ़ी करेजियस मिलिट्री कमांडर होता है रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव आता है, रिटेलिएट करता है 210 लोगों के साथ, आरकोट को कब्जा कर लेता है और फ्रेंच को हरा देता है। तो ये ख़त्म होता है सेकेंड कार्नेटिक वार, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ ख़त्म होता है, जो 1754 में होता है। एंड जो थर्ड कार्नेटिक वार है उसको सेवन ईयर कार्नेटिक वार भी कहते हैं। ये भी इसका कारण ये है कि ये भी यूरोप में ही स्टार्ट होता है, और जो लास्ट में एक बैटल होता है काफ़ी डिसिसिव बैटल रहता है, बैटल ऑफ अंडीवास, जहाँ पे जो है फ्रेंच का जो भी सपना रहता है वो चूर चूर हो जाता है, और इंडिया में वो आगे रूल नहीं कर पाएगा, सिर्फ उसका जो ट्रेडिंग सेंटर्स कॉमर्स वही सारी चीज़ों पर फोकस कर पाएगा। तो जो है सेवन का ईयर कार्नेटिक वार होता है, एंड जो इसके ये वार जो ख़त्म होता है, जो इसकी में ट्रीटी होता है पेरिस में, क्योंकि यूरोप से स्टार्ट हो रहा है तो यूरोप में ही ट्रीटी करके ख़त्म होगा, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा 1763 में। तो हमने ये कार्नेटिक वार्स वगैरह को देखा था। अब चलते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है बंगाल। तो बंगाल हमारा टॉपिक है आज का। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट विद इंडियन पावर्स। तो वार में अब आ रहे हैं बंगाल के साथ। तो बंगाल की कहानी ये है कि जैसे 1700 के आते आते जो है मुगल एम्पायर काफ़ी वीक हो जाता है, और वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, और धीरे धीरे जो है रीजनल किंगडम्स वगैरह इवॉल्व होते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेस में वो देखा था कि 1700 के आसपास जो है मुर्शिद कुली खान बंगाल को एक इंडिपेंडेंट यानी एक अलग प्रोविंस बनाता है। यह कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है जब 1700 में मुर्शिद कुली खान को जो है दीवान नियुक्त, मुर्शिद कुली खान को जो है गवर्नर बनाया जाता है औरंगजेब के द्वारा में 1700 में। तो इनिशियली जो है कहीं भी जब राज किया जाता है तो पावर ऑफ सेपरेशन देखा जाता है। तो यहाँ भी बंगाल में भी चीज़ें चल रहा था नॉर्मल तरीके से, लेकिन जब मुर्शिद कुली खान जब वहाँ का गवर्नर बना तो वहाँ का जो दीवान था उसको डिसमिस कर दिया उन्होंने उसने और यहाँ पे डिसमिस करने के लिए जो है मुगल अम्पायर का जो राजा था औरंगजेब ने उससे परमिशन भी नहीं लिया, उसको पता भी नहीं चला ये, तो रेवेन्यू ऑफिसर को हटा दिया, खुद ही अपना गवर्नर भी बन गया और दीवान भी बन गया यानी रेवेन्यू ऑफिसर भी। तो यहाँ का जो है ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखने के लिए मिलता है। तो ये 1700 के आसपास जब मुर्शिद कुली खान बनता है तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलता है।
जब औरंगजेब की डेथ होती है तो ये ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखने के लिए मिलता है, और दीवान एंड गवर्नर खुद बन जाता है मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान जो है 1700 में जो गवर्नर बन जाता है और 1727 तक जो है रूल करता है, 27 सालों तक जो है बंगाल को काफ़ी प्रोस्पेरियस रीजन, काफ़ी प्रोस्पेरियस जो है प्रोविंस बनाता है, और इसमें बहुत सारे रिफॉर्म कर रहे होते हैं मुर्शिद कुली खान, तो जिसके कारण जो है बंगाल काफ़ी प्रोस्पेरियस बनता है। तो रिफॉर्म्स जैसा कि वो करता है, रेवेन्यू रिफॉर्म करता है, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करता है, तो ये सारे करते हैं जिसके कारण जो है बंगाल काफ़ी अमीर प्रोविंस बनता है। और ब्रिटिशर्स जो है धीरे धीरे कैसे जो है बंगाल की तरफ खींचे आएगा और वहाँ का किसी भी तरीके से बंगाल को एक्सेस चाहेगा उसका। तो 1700 में जो है मुर्शिद कुली खान क्या बना, गवर्नर बना, फिर दीवान खुद को बना लिया, तो वो 27 तक रूल करता है, 1727 तक। ठीक, तो उसका कोई जो है क्लियर नहीं था कि कौन राजा बनेगा, तो एक दामाद था और उसी के दामाद के बेटा था, मतलब जो नाती, तो दामाद हुआ करता था सुजाउद्दीन और उसका जो नाती था सरफराज, तो उसने उसका उसके बाद जो है 1727 में गद्दी में बैठा सुजाउद्दीन, और 1727 से 1739 तक जो है सुजाउद्दीन रूल करता है अच्छे से। फिर उसके बाद आता है सरफराज खान, तो सरफराज खान कौन है, सुजाउद्दीन का बेटा है, यानी मुर्शिद कुली खान का जो है ग्रैंडसन है। ठीक, तो सरफराज खान जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, एक ही साल का उसका रूल रहता है, वहीं पे स्टार्ट होता है। और अलीवर्दी खान जो एक नोबल होता है, तो अलीवर्दी खान एक नोबल है जो सरफराज खान को मार देता है अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान जो है 1739 में राजा बनता है और 1756 तक वो रूल करता है। तो इसमें जो है काफ़ी जो है उसके बाद टर्मोइल देखने के लिए मिलता है जब उसके सक्सेसर की बात होती है, क्योंकि अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं होता है, तो उसमें उसकी 3 बेटी होती है, तो तीनों बेटी के जो बेटे हैं या फिर बेटी है वो क्लेम करता है थ्रोन के लिए। तो उसके बाद जो है राजा बन जाता है, कौन राजा बनता है, वो सिराजुद्दौला राजा बन जाता है अलीवर्दी खान का, जो उसका नाती हुआ करता है। ठीक, ग्रैंड सन होता है सिराजुद्दौला, जो राजा बन जाता है बंगाल का 1756 में। ठीक, एंड इसी के साथ साथ जो है जब ये राजा बनेगा तो बाकी के 2 बेटी है उसके, तो एक बेटी से उसको है शौकत जंग, जो कि मौसेरा भाई है सिराजुद्दौला का, आपस में इन लोगों के बीच में पावर कन्फ्रंट होगा। ठीक, साथ साथ जो एक बेटी है उसका अलीवर्दी खान का, वो है घसीटी बेगम। हाँ, तो हंसने की कोई बात नहीं है, ये नाम है घसीटी बेगम। ठीक है, तो घसीटी बेगम, शौकत जंग और सिराजुद्दौला, तो इन तीनों के बीच में जो है पावर कन्फ्रंट होगा। अभी राजा कौन है, सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा ये लोग जो है घसीटी बेगम और जो शौकत जंग जो है ये लोग आपस में जाकर जो है ब्रिटिश के साथ कॉन्स्पिरेसी करेगा, तो कॉन्स्पिरेसी हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो जिसके बाद जो है हमें बैटल ऑफ प्लासी दिखता है, 1757 में होता है। तो बैटल ऑफ प्लासी को इसलिए बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी को। तो यहाँ पे जो है बैटल ऑफ प्लासी के पीछे एक रीजन था, तो उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, आप कहानी सुनिए और याद कीजिए चीज़ों को, एक बार नहीं 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और साथ साथ में जो है जो भी चीज़ नोट करने के लिए मिल रहा है तो आप ज़रूर नोट कीजिए। जो जब सिराजुद्दौला जब राजा बनता है, तो वो राजा बनते ही वो ये डिक्लेयर कर देता है कि कोई भी ब्रिटिशर्स हो या फिर पोर्चुगीज हो या फिर फ्रेंच हो, तो वो जो है बंगाल में फोर्टिफाई नहीं करेगा, और राजा जब तक परमिशन नहीं देंगे तो फोर्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन जो है पोर्चुगीज वगैरह नहीं, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स जो है वो अपने जो है जो किला है उसको फोर्टिफाई करने लगता है। जब राजा बोला हुआ है कि आपको फोर्टिफाई नहीं करना है, तब भी करता है, तो यहाँ पर काफ़ी गुस्सा होता है सिराजुद्दौला। और जब इसको पता चलता है फ्रेंच, तो फ्रेंच अपना फोर्ट को तोड़ देता है, और ब्रिटिशर्स वहीं पे नहीं तोड़ता है, बोलता है हम देख लेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पे मनमानी करता है ब्रिटिशर्स, तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आता है, बोलता है जितने लोग हैं सबको पकड़ के ले आओ। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जिसको बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है ब्लैक होल ट्रेजेडी में, कि ब्रिटिशर्स के जो लोग फोर्ट बना रहे होते हैं उस वहाँ पे जो सोल्जर होते हैं, तो 146 सोल्जर को जो है एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, जो है 18x14 का जो कमरा होता है, 18x14 18x14 का कमरा होता है, जिसमें 146 लोगों को, आप इमेजिन कीजिए कि इतने छोटे रूम में 146 लोगों को कैसे भरा गया होगा। तो नेक्स्ट डे देखा जाता है कि सिर्फ 23 लोग ही सरवाइव किए हैं, ओनली 23 पीपल आर सरवाइव।
और ये है जून 1756 का कहानी है। और इसको जो है वहाँ पे एक जो आदमी था जो ब्रिटिश सोल्जर था वो सर्वाइव किया था, जिसका नाम था हॉलवेल। तो हॉलवेल ने इस बात को काफ़ी अच्छे से प्रचार किया था कि जो सिराजुद्दौला जो है वो काफ़ी क्रूर है, काफ़ी उसका नेगेटिव इमेज बनाया गया और जो है ब्रिटिश को एक प्रोपोगेंडा मिल गया सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है ब्रिटिशर्स जो है रिटेलिएट करना चाहते हैं, और जो है इसके लिए जो है एडमिरल वाटसन नेवी एंड रॉबर्ट क्लाइव जो है आर्मी को लेके अटैक करना जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला चालाक आदमी होता है, वो जानता है कि यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अलीनगर कर लेता है सिराजुद्दौला। तो ब्रिटिशर्स के साथ जो है ट्रीटी हो जाता है, तो ब्रिटिशर्स तब भी नाखुश होता है, तो धीरे धीरे जो है वो कॉन्स्पिरेसी करने लगता है कि किसी भी तरीके से जो है सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना है। तो कॉन्स्पिरेसी करता है, जिसके कारण जो है बैटल ऑफ प्लासी होता है। कॉन्स्पिरेसी करने वाले कुछ लोग जो है, सबसे पहला तो यहाँ पे दिखेगी घसीटी बेगम है और सौकत जंग है, तो धीरे बाद में पता चलता है कि सौकत जंग पीछे हट जाते हैं, तो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं करते हैं, कॉन्स्पिरेसी में साथ नहीं होता है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 23 जून 1757 को होता है। तो बेसिकली यहाँ पे है कि ब्रिटिशर्स जो है वार करना चाहता है, तो एक तरफ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं, एक तरफ सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला के पास 50,000 जो है सोल्जर हुआ करता है। 21 जून को जो है 50,000 सोल्जर के साथ निकल पड़ता है सिराजुद्दौला, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने की है ज़रूरत, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो आर्मी कमांडर होता है वो होता है मीर जाफर। कौन होता है? मीर जाफर आर्मी कमांडर होता है, जिसको जो है ब्रिटिशर्स पहले से ही उसको अप्रोच करता है और बोल देता है कि हम आपको राजा बनाएंगे। तो आर्मी कमांडर को बोल दिया कि आप, तो ब्रिटिशर्स ने जो है मीर जाफर को बोल देता है कि हम आपको राजा बनाएंगे। तो मीर जाफर कहता है कि हमें क्या करना है, तो ब्रिटिशर्स कहते हैं यू डोंट डू एनीथिंग, मतलब आप कुछ नहीं करो। तो आर्मी कमांडर क्या करता है, अपना मिलिट्री को आदेश देता है, वो कुछ जो है मिलिट्री उसके जो फाइट करते हैं, लेकिन इसको कह रहा है कि आप कुछ मत करो। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चीज़ें कुछ गड़बड़ होने वाली। तो मीर जाफर जो है 48,000 आर्मी को साथ में लेके चलता है, क्योंकि जो मिलिट्री कमांडर होगा वही तो आपका ऑर्डर देगा मिलिट्री को। तो उसके साथ जो है मोहनलाल एंड मीर मदन होते हैं, जो 2000 आदमी आर्मी के साथ में चलता है। तो मीर जाफर जो है कॉन्स्पिरेसी करने वाले के लोगों के साथ हो जाता है। तो कॉन्स्पिरेसी करने में जो लोग है वो है मीर जाफर है, यार लुतुफ खान है, राय दुर्लभ है, ओमी चंद है एंड घसीटी बेगम। घसीटी बेगम कौन? जो सिराजुद्दौला की मौसी हुआ करती थी वो। एंड ब्रिटिश की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव है, ये 23 जून को जो है 3000 आर्मी के साथ जाता है रॉबर्ट क्लाइव। और उधर से कौन? सिराजुद्दौला का 50,000 आर्मी आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो 50,000 आर्मी है क्या बताओ? है क्या 50,000 आर्मी? नहीं है, क्योंकि 48,000 आर्मी जो है कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है? मीर जाफर। तो 48,000 आर्मी के साथ मीर जाफर एक साइड हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो टोटल 2000 आर्मी के साथ ही उसको लड़ना पड़ेगा। तो इतना बड़ा आर्मी के साथ होने के बावजूद भी चीज़ें जो है सिराजुद्दौला हार जाता है। उसका जो दो मिलिट्री कमांडर होता है मोहनलाल एंड मीर मदन, काफ़ी ब्रेवरी से लड़ता है वार को, और वो दोनों वहाँ पे जो है शहीद हो जाते हैं, आप कहिए कि मार्टियर हो जाते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी 17 जून 1757 को स्टार्ट होता है। जो एक ग्रुप है जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है सिराजुद्दौला जो है वो है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं मीर जाफर, यार लुतुफ खान, रायदुल्लम, ओमी चंद, घसीटी बेगम, और जो ब्रिटिशर्स की तरफ जो मिलिट्री कमांडर है वो है रॉबर्ट क्लाइव। तो एंड साथ में एक जो है काफ़ी जो फाइनेंस करने के लिए आता है जगत सेठ। जगत सेठ आज का ज़माने का आप समझिए अंबानी ब्रदर्स जो है वो समझिए कि जगत सेठ, ऐसे पैसे वाले लोग जो है वो जगत सेठ थे उस टाइम पे। तो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और वो मर जाता है, और जो है राजा बना दिया जाता है। इसके बाद नवाब कौन बन जाएगा बंगाल का नवाब बन जाएगा मीर जाफर, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा होता है। तो ये कहा जाता है इट लेड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन एम्पायर। तो जो है ब्रिटिश एम्पायर का रियलिटी में जो है यहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश जो है डरता है, कहीं अच्छे तरह से कन्फ्रंट नहीं करता है इंडियन पावर्स के साथ, और यहाँ पहली बार उसने अच्छे से कन्फ्रंट करता है, और मतलब थोड़ा सा एफर्ट के साथ ही वो जीत जाता है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी कर रहा होता है उसी के लोग जो राजा होते हैं।
तो बैटल ऑफ प्लासी हमने देखा, और यहाँ पे देखते हैं कि अब जो मीर जाफर को राजा बना देगा। तो एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अगर उसको पढ़े समझिए। बैटल ऑफ प्लासी स्टार्टेड अ स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हाउ फार दिस बैटल कैन बी कंक्लूडेड एज द मेजर विक्ट्री फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्वेश्चन का थीम है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश रूल को एस्टेब्लिश करता है, और इसको जो कहा जाएगा मेजर विक्ट्री फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है ये एक मेजर विक्ट्री है। तो कैसे, तो इसको मेंस का क्वेश्चन है तो इसको लिखना है हमें अगर अच्छे से, तो कैसे लिखना है तो इसको समझेंगे हम कि बैटल ऑफ प्लासी क्या था, एक रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी था। बैटल ऑफ प्लासी वाज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी डैट वाज प्लॉटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी विद द हेल्प ऑफ मिर्जाफर यार लुतुफ एंड रायदुल्लभ एंड ओमिचन एंड जगत सेठ, इन सब के साथ जो है कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया गया। किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कंपनी डिसाइडेड टू सपोर्ट मिर्जाफर एंड हैड अ ट्रीटी विद देम ट्रीटिंग दैट ही वुड रिसीव द थ्रोन। मतलब पहले वादा कर दिया गया कि मिर्जाफर को कि आपको थ्रोन दिया जाएगा। इन मेनी वेज इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री। तो कैसे जो है ये ग्रेट विक्ट्री था, तो उसको ये पॉइंटर्स जो है उसको रेक्टिफाई करेगा। तो पहला पॉइंट जो है मिर्जाफर बिकम नवाब ऑफ बंगाल। तो जो है बैटल प्लासी 23 जून 1757 को होता है, तो उसके बाद जो है मिर्जाफर को नवाब बना दिया जाता है, और ये फेवरेबल होता है ब्रिटिशर्स को, या फिर कहिए कि मिर्जाफर इज पपट नवाब ऑफ ब्रिटिशर्स। कंपनी को जो है काफ़ी जो है यहाँ पे लार्ज सम ऑफ मनी मिल जाता है, और जो यहाँ पे ज़मींदारी मिल जाती है 24 परगनाज की। तो ये जो है याद रखने वाली चीज़ है कि 24 परगनाज जो है एक जगह का नाम है, 24 परगना। ये कोई ऐसा नहीं है कि परगना तो है और 40 अलग अलग जो 24 जो अलग अलग परगना दिए हैं, ये नहीं है ऐसा कुछ। और ये 24 परगना एक जगह का नाम है, जैसा कि कलकत्ता एक जगह है, उसी तरीके से 24 परगना एक जगह है। तो वो मिल गया ब्रिटिशर्स को, और ये कहा जाता है कि इट लेड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द सोवरेनिटी ओवर कलकत्ता। तो बंगाल यानी कलकत्ता पे जो है सोवरेनिटी मिल गया इसको, ब्रिटिशर्स को मिल गया। एंड बैटल ऑफ प्लासी सॉर्ट द कॉन्स्पिरेसी टैक्टिक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसे कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, ये बैटल ऑफ प्लासी ने हमें अच्छे से दिखाया। इट गेव द ब्रिटिश एक्सेस टू द रिच रिसोर्सेज ऑफ द बंगाल। मतलब बंगाल काफ़ी जो है प्रोस्पेरियस था, वहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी प्रोस्पेरियस थे, तो उसको अब जो है ब्रिटिश काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकता था, और जो है वहाँ के एंड फ्रेंच को उसने पहले ही जो है डिफीटिंग द फ्रेंच इन थर्ड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार होता है जो उसमें 7 ईयर वार भी कहता है थर्ड कार्नेटिक वार को, तो उसमें हरा देते हैं जो फ्रेंच को। तो अकेले पावर बचता है यूरोपियंस में, वो ब्रिटिशर्स काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ से एक्सप्लॉइट करता है यहाँ के रिसोर्सेज को। द कंपनी वर्चुअली मोनोपोलाइज द ट्रेड कॉमर्स इन बंगाल। फ्रेंच कुड नेवर रिकवर देमसेल्फ। अ डच नीड टू लास्ट अटेम्प्ट बट द डिफीट ऑफ बैटल ऑफ बेदरा इन 1759। मतलब जो है फ्रेंच जो है जब थर्ड कार्नेटिक वार में हारता है बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में, तो उसके बाद उसकी जो है वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि वो दोबारा इंडिया में खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। ठीक, उसी के साथ जो है डच का जो सपना होता है वो भी ख़त्म हो जाता है जब बैटल ऑफ बेदरा होता है 1759 में। तो फ्रेंच और डच ये सब भी यहाँ से निपट गए। तो अब अगर लास्ट में हम अगर बोले तो क्या बोलेंगे कि इट वाज ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट ए कमर्शियल बॉडी। अब ये कमर्शियल बॉडी नहीं रहा मेरली, रैदर इट बिकम द मिलिट्री कंपनी। तो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मिलिट्री कंपनी है ना ही, ये अब जो है पहले कमर्शियल कंपनी थी, अब कमर्शियल कंपनी नहीं रही। तो कंपनी जो है अच्छे तरीके से जो बंगाल को बहुत जो है बहुत गंदी तरीके से जो है एक्सप्लॉइट करता है, और वहाँ का जो नवाब बना देता है जो मीर जाफर को बनाता है, जो कॉन्स्पिरेटर होता है उसको, वो पपेट नवाब होता है। लेकिन क्या होता है कि मीर जाफर एक क्या है मिलिट्री कमांडर है, तो वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर रेवेन्यू रिफॉर्म नहीं कर सकता। जो मिलिट्री कमांडर है तो उसको मिलिट्री के बारे में अच्छे से पता होगा, वो मिलिट्री रिफॉर्म ही कर सकता होगा, है ना अच्छे से। तो जो है उसका दामाद होता है मीर कासिम, तो ब्रिटिशर्स को अप्रोच करता है मीर कासिम, या फिर ब्रिटिशर्स मीर कासिम को अप्रोच करता है, दोनों बात कह सकते हैं। तो वहाँ पे मीर कासिम को बोला जाता है कि तुम्हें गद्दी दे देंगे लेकिन तुम्हें जो है
अब बहुत सारे कैपिटल देना पड़ेगा, तो वो रेडी हो जाता है मीर कासिम तो कि बहुत सारा फेवर करेगा और उसे बहुत सारे जो है कैपिटल यानी पैसे वगैरह देगा। तो ब्रिटिशर्स को जो है पैसों की आदत लग चुकी है अब तक। तो अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पे मेन चीज़ जो मीर कासिम क्या होता है कि जब वो गद्दी में बैठता है तो वो ब्रिटिशर्स के जो चीज़ों से है वो वाकिफ रहता है। तो उसने जो है बंगाल, पहले बंगाल का कैपिटल कहाँ होता है, पहले कलकत्ता, तो कलकत्ता से कैपिटल हटा के वो मुर्शिदाबाद, सॉरी जो कैपिटल कहाँ होता है मुर्शिदाबाद में होता है, मुर्शिदाबाद से वो लेकर हटा के वो कैपिटल मुंगेर कर लेता है, मुंगेर बिहार। तो मीर कासिम जो है अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर लेके जाता है और वहीं पे जो है गन मेकिंग फैक्ट्री जहाँ पे आर्म्स एम्यूनेशन वगैरह जो है मुंगेर में प्रोड्यूस करेगा। एंड जो है गोमस्ताज होता था, जो टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स होता था जो टैक्स कलेक्ट करके जो है ब्रिटिश सर्स को देता था, तो ये सारे थे। तो यहाँ पे जो है मीर कासिम को ये चीज़ समझ में आ चुका था कि जो है इंडियन ट्रेडर्स है तो उसके साथ गलत हो रहा है, कि जो 1707 में है ब्रिटिशर्स को रॉयल फरमान मिला हुआ है और ब्रिटिशर्स जिसे दस्तक भी कहा जाता है, तो ब्रिटिशर्स जो है इस दस्तक का जो है गलत तरीके से जो है मिसयूज़ करते हैं। तो ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेड मिला हुआ है ना कि जो उधर लोगों को लिए, तो ब्रिटिशर्स जो है बाकी ट्रेडर्स जो है उसको दस्तक देता है, तो इससे नाखुश होते हैं मीर कासिम कि इंडिजिनस जो ट्रेडर्स होते हैं तो उसको कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलता है, वो जो रियल तरीके से जो टैक्स पे करते हैं तो उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मीर कासिम क्या करता है, टैक्स फ्री ट्रेड कर देता है। तो दस्तक अब क्या है इरेलीवेंट हो जाता है, तो ब्रिटिशर्स काफ़ी नाराज होते हैं। तो जो है मीर कासिम ने कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया और टैक्स को फ्री कर दिया, और जो है मुंगेर में ही उसने जो है आर्म्स और एम्यूनेशन की फैक्ट्री भी लगाया। तो इन सब चीज़ों के लेकर के जो है ब्रिटिशर्स काफ़ी नाराज हो जाते हैं जो मीर कासिम से। और ये सब चीज़ें मीर कासिम इसलिए कर रहा होता है कि वो चाहता है कि वो अच्छे से जो है फ्रीली रूल करे, और उसको ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना चाहता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये सारी चीज़ उससे भी होता भी नहीं, और वो सिर्फ चाह रहा है कि फ्रीली वो ट्रेड करें। तो ब्रिटिशर्स इसको देख के जो है रिटेलिएट करता है और एक बैटल लड़ता है मीर कासिम के साथ 1763 में, और मीर कासिम जो है भाग जाता है अवध में, और वहाँ पे अवध के जो राजा होते हैं शुजाउद्दौला, तो वो उसको रिफ्यूज देता है। और यहाँ पे ये होता है शुजाउद्दौला इसलिए उसको रिफ्यूज देता है क्योंकि बंगाल को जो है ब्रिटिशर्स अपनी अलग टैक्टिक से जो है कैप्चर कर चुका है, और वहाँ के जो है नवाब को कैसे अपना पपेट की तरह यूज़ कर रहा है। तो शुजाउद्दौला को भी जो समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट जो है अब मुझ पर अटैक करेगा ब्रिटिशर्स, तो वो चाहता है कि अब हमें जो है यूनाइटेड रूप से ब्रिटिशर्स को के ऊपर जो है अटैक करना है। तो उसके लिए उसने शाह आलम टू को साथ में लेता है। तो तीन लोग हो गए, कौन, एक जो है जो फ्लेड मतलब भाग करके जो आया है फ्लेड करके, अब वो है मीर कासिम है, दूसरा कौन है शुजाउद्दौला कौन है अवध का नवाब है, और मीर कासिम कौन है मुगल एम्परर उस टाइम पे। तो ये तीन लोग हैं, और मीर कासिम कौन है बंगाल से जो भाग के आ रहा है वो, तो ये तीन लोग जो है साथ में जाके लड़ेगा और बैटल ऑफ बक्सर होगा। तो 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होता है जो काफ़ी क्लोजली कंटेस्टेड वार रहता है, लेकिन जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ पे लेड कर रहा होता है उसको हेक्टर मुंडो है, इस वार को जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से लेड कर रहा होता है। तो देखो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो कंस्पिरेसी करके ब्रिटिशर्स ने जीता था, और यहाँ पे जो है बैटल ऑफ बक्सर जो है ये वो रियल आर्मी के साथ लड़ करके जो है ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं, यहाँ पे कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रहा, वो अपना जो है अब जो मिलिट्री है मिलिट्री एक्सपीडिशन उस तरीके से यहाँ पे जीत रहा है। और जो है बैटल ऑफ बक्सर में कौन है उसका मिलिट्री कमांडर, वो है हेक्टर मुंडो, उसको लीड कर रहा है। अब देख लेते हैं कि जो है बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन पार्टिसिपेंट है, मीर कासिम है और शुजाउद्दौला है और शाह आलम टू है मुगल एम्परर। तो ये है हमारा जो ऑपोजिट है, और इधर है जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुंडो। तो हेक्टर मुंडो जीत जाते हैं और ये लोग हार जाता है। तो इन लोगों के साथ जो है एक ट्रीटी होता है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद।
तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद होता है 1765 में। देखो लड़ाई कब हो रहा है, 64 में, लेकिन ट्रीटी 65 में हो रहा है। क्यों? क्योंकि लड़ रहे हैं हेक्टर मुंड्रो और आके ट्रीटी करेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी करता है, रॉबर्ट क्लाइव करता है, और जो है लड़ कौन रहे हैं, हेक्टर मुंड्रो। तो जो है बैटल ऑफ बक्सर को कहा जाएगा डिसिसिव। डिसिसिव इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ब्रिटिश जो है नॉर्थ इंडिया पे अब खुली तरीके से कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि अवध के जो नवाब है, काफ़ी बड़ा जो है अवध प्रोविंस हुआ करता था, उसको भी हरा दिया, बंगाल को भी हरा दिया, बिहार वाले रीजन अभी बीच में ही पड़ रहा है। तो पूरी जो है नॉर्थ वाले जो जगह है, तो नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लिया। एंड यहाँ पे जो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद दो ट्रीटी होती है, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। दो तरीके का ट्रीटी होता है, एक होता है नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब कौन है, शुजाउद्दौला, एंड शाह आलम टू के साथ एक ट्रीटी होता है। ट्रीटी में यह होता है अवध के नवाब के साथ, अवध के नवाब को ये बोला जाता है कि आप जो है अलाहाबाद और करा, करा एक जगह है और अलाहाबाद में को जो है वो आप शाह आलम टू को दे दो। शाह आलम टू को क्यों देगा भाई? यहाँ पे शाह आलम टू को इसलिए देगा कि शाह आलम टू को दिल्ली से भगाएगा। तो पहला रीजन था, पहला था कि अलाहाबाद और कड़ा से जो है वो जगह में दे दिया जाएगा शाह आलम टू को, ठीक। और वार इंडेमनिटी के रूप में 50 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को चुकाएगा, कौन, शुजाउद्दौला। और बनारस के जो जमींदार थे जो ब्रिटिशर्स को फेवर कर रहे होते, तो वो कहता है कि नवाब को कि आप उसे इंडिपेंडेंट घोषित कर दो, जो बनारस के जमींदार वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे तीन तरीके के बातें हो रहा है, एक जो है अलाहाबाद और करहा वाला जो रीजन है वो शाह आलम टू को दे देगा, एंड जो 50 लाख रुपए वार्ड इंडेमनिटी देना होगा शुजाउद्दौला को, और बनारस के जो जमींदार को है इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। और शाह आलम टू के साथ क्या ट्रीटी हुआ, शाह आलम टू के साथ ट्रीटी ये हुआ कि भाई साहब आप जो है दिल्ली छोड़ के भाग जाओ, क्या, बी सेटल इन अलाहाबाद एंड लीव दिल्ली। तो दिल्ली को उससे छोड़ने के लिए कह रहा है, अलाहाबाद सेटल करने के लिए। तो अलाहाबाद इसलिए लिया ना भाई, अलाहाबाद और जो करा है वो इसलिए लिया गया ताकि वहाँ पे कौन है, मुगल एम्पायर यानी शाह आलम को उस जगह में लाया जाए और वहाँ पे बैठाया जाए। और साथ में जो है जो शाह आलम टू से ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन जगहों के लिए जो है रेवेन्यू राइट्स ले लिया ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पे एक फरमान इशू किया शाह आलम टू ने, जिससे ब्रिटिशर्स को जो है रेवेन्यू राइट्स मिल गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों रीजन पे जो है रेवेन्यू राइट्स मिल गए। और जो है शाह आलम टू को कहाँ लेके आ गया, इलाहाबाद से, दिल्ली से हटा दिया गया। तो मुगल एम्पायर को दिल्ली से हटाया जा रहा है वो 1765 अलाहाबाद की ट्रीटी से। और 26 लाख रुपए जो है एज ए पेंशन कहो या फिर पर एनम दिया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो है शाह आलम टू के द्वारा, शाह आलम टू को दिया जा रहा है ब्रिटिशर्स को, सॉरी 26 लाख का जो है पर एनम दिया देगा ब्रिटिशर्स शाह आलम टू को, क्योंकि वो दिल्ली को जो है छोड़ रहा है। दिल्ली को छोड़ने के बाद जो है उसका खर्चा एक्सपेंसेस वगैरह के लिए 26 लाख रुपये पर साल देगा। तो एक बात बताओ कि 26 लाख रुपये में वो अपना जो है जो भी स्टाफ्स और अपना प्रोविंस चलाएगा या फिर क्या, 26 लाख रुपए इतना कम जो भी है, सिर्फ उसको ये दिया जा रहा है पर एनम के रूप में, और उससे दिल्ली की गद्दी उससे खाली कर लिया गया। तो हमने ये देखा कि जो बैटल जो था बक्सर का, तो इसमें दो ट्रीटी होता है, एक नवाब के साथ होता है जो शुजाउद्दौला के साथ, और बाकी शाह आलम टू के साथ। तो शाह आलम टू को दिल्ली में लाया गया और बंगाल, उड़ीसा, बिहार इन सब में ट्रेड के लिए, जो फ्री ट्रेड के लिए एक फरमान इशू होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ब्रिटिशर्स जो है अब अपने आप को जो है बंगाल में सोवरेनिटी क्लेम कर सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में अपने आप को सोवरेन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अब उसको चैलेंज करने के लिए जो है इस रीजन में कोई नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन है होगा कि बैटल ऑफ प्लासी वाज अ विक्ट्री गेन्ड बाई कॉन्स्पिरेसी। बैटल ऑफ प्लासी क्या था, एक कॉन्स्पिरेसी था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर क्या था, कंपनीज ऑफ देयर मिलिट्री माइट। बैटल ऑफ बक्सर रीअफर्म फर्स्ट विक्ट्री ओवर बंगाल कमिट, मतलब रीअफर्म इसलिए कर दिया, पहला जो बंगाल को उसने कॉन्स्पिरेसी जीता था, और जो बैटल ऑफ बक्सर में उसने क्या, मिलिट्री माइट से जीता है। अगर हम बैटल ऑफ बक्सर की एक सिग्निफिकेंस देखें, उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो सबसे पहला कि ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हो गया, और मुगल एम्पायर को कहाँ बैठा दिया, दिल्ली में।
तो कंपनी के लिए क्या हो गया कि इट ओपन डोर फॉर आगरा एंड दिल्ली। कंपनी के लिए जो है दिल्ली और आगरा का जो है दरवाजा खोल दिया। अवध एज सबऑर्डिनेट एंड बफर स्टेट ऑफ ब्रिटिशर्स, सबऑर्डिनेट बन गया और ब्रिटिशर्स का जो है बफर स्टेट बन गया। बफर स्टेट कहने का मतलब ब्रिटिशर्स बीच में है और चारों तरफ जो है उसको प्रोटेक्ट करने वाला जो है, यानी बफर के तरफ के तरह क्रिएट कर रहा। अगर सामने वाला अटैक करेगा तो पहले इस पर अटैक करेगा ना कि इस पर, तो बफर स्टेट बन गया अवध अब ब्रिटिशर्स का। इट गैव कंपनी द डायरेक्ट एक्सेस टू द वेल्थ ऑफ द बंगाल। बंगाल काफ़ी जो है अमीर प्रोविंस था तो उसका जो है डायरेक्ट वेल्थ मिल गया। एंड दे बिकम द ग्रेट पावर इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में ग्रेट पावर बन गया। दे पोर्ट्रेट देयर मिलिट्री माइट, तो मिलिट्री माइट देखने को मिलता है क्योंकि मिलिट्री से ही जो है बैटल ऑफ बक्सर वो जीत रहा होता है। एंड बैटल ऑफ बक्सर खत्म होने के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव आता है, और रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए आपको कि वो जो है डॉयल गवर्नमेंट स्टार्ट करता है बंगाल में। 1765 में डॉयल गवर्नमेंट स्टार्ट करता है। इस डॉयल गवर्नमेंट ने जो है बंगाल को तहस नहस कर देता है। तो डॉयल गवर्नमेंट में होता है एक रेवेन्यू वाला सेक्शन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है। तो रेवेन्यू वाला सेक्शन को बोलते हैं दीवानी और एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेक्शन को बोलते हैं निजामत। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन वगैरह जो देखेगा वो है नवाब देखेगा। तो नवाब को जो है ब्रिटिश के द्वारा मिलता है 50 लाख पर एनम मिल रहा है। और आप किसी भी बंगाल जैसे जगह में आप क्या कर रहे हो, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हो, आपको 50 लाख रुपये मिल रहा है। तो ये तो नवाब के खर्चे होंगे 50 लाख रुपये, तो वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो चीज़ें यहाँ का बहुत वर्स्ट होने वाला है आगे। और जो है रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो है कलेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। और उसमें से 50 लाख रुपए जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो निजामत यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है नवाब उसको दिया जाएगा। तो इसके बाद जो है बंगाल काफ़ी जो है वर्स्ट कंडीशन होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैमैन वगैरह आते हैं तो, और ब्रिटिशर्स कुछ नहीं करते हैं, दे वुडन डू एनीथिंग, और जो है काफ़ी लूट एंड प्लंडर करता है। तो लोग बहुत मरते हैं यहाँ पे, 10 मिलियन लोग मर जाते हैं जो है बंगाल के। तो लास्ट में आके जो है इस डॉयल गवर्नमेंट को जो है ख़त्म करते हैं वारन हेस्टिंग 1707 में, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो देखते हैं कि जो है बंगाल को जीतने के बाद 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है उसके बाद जो जीत जाता है प्रोविंसेस को तो कैसे यूज करता है उसका। तो यहाँ पे काफ़ी जो है प्लंडर करता है, काफ़ी पैसे या रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करता है, किसानों के साथ एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इसी बीच में जो है ग्रेट फैमान आता है। तो ये जो है 3 सालों तक जो है काफ़ी जो है ख़राब कंडीशन रहता है बंगाल का, 1769 और 70 और उसके बाद का जो भी 1-8 साल जो है काफ़ी ख़राब रहता है यहाँ पे बंगाल का। तो बंगाल में बेसिकली जो है रेनफॉल नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रहा, तो क्रॉप फेलियर हो रहा है। और इसी के साथ साथ जो है एक बीमारी भी बहुत प्रचलित था उस टाइम, जिसे जो है चिकन पॉक्स। तो 1768 में जो है रेनफॉल नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रही है, तो क्रॉप का फेलियर हो रहा है, फसल अच्छे से नहीं होगा, और जो है चिकन पॉक्स भी अच्छे से फैल रहा है। और जो है लगातार 2 साल तक बारिश नहीं होती, 69 में भी बारिश नहीं होता है, तो वहाँ पे भी क्रॉप फेलियर होगा। तो 2 सालों तक बारिश नहीं हो रहा है, और जो है ना ही जो ब्रिटिशर्स जो है टैक्सेशन वगैरह कुछ कम कर रहा है, वो उसी तरीके से पहले से एक्सप्लॉइट कर रहा, तो किसानों की हालत बहुत ख़राब हो जाता है। तो इस फैमाइन की वजह से जो है 10 मिलियन जो है 10 मिलियन जो है बंगाल में लोग मर जाते हैं भूख से और बीमार से। और यहाँ पे एक चीज़ और ये होता है कि 1770 में जो है रैन होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि 2 साल क्रॉप फेलियर हो गया, बीमार है लोग और मर रहे हैं, 10 मिलियन लोग मर चुके हैं, और यहाँ पे जो है अचानक रेनफॉल हो रहा है, तो लोग तो बीमारी जो है और स्प्रेड होने लगेगा, स्प्रेड ऑफ डिजीज़। जितने जो है गंदे एरिया रहेंगे, चीज़ें होंगे, बारिश होगा तो स्प्रेड करेगा उस डिजीज़ को। तो यहाँ पे और भी गंदे तरीके से जो है बंगाल की हालत ख़राब होने लगती है, वर्स्ट कंडीशन हो जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल इतना रिच प्रोविंस मिलने के बाद भी जो है वो बैंकक्रप्ट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जाता है जो ब्रिटिश के जो क्राउन होता है वहाँ पे लोन लेने के लिए, क्योंकि इसके पास जो है कलेक्शन अब होगा नहीं। कलेक्शन कहाँ से होगा जब लोग 10 मिलियन लोग मर चुके हैं, कोई रेवेन्यू नहीं है उनके पास, ना ही खेती हो रही है, रेन जो बारिश भी नहीं हो रहा है, तो
तो लोग कहाँ से आपको जो है टैक्स देंगे? तो जो है रेवेन्यू कलेक्शन क्या है अभी बंगाल के पास? जीरो। तो ये जाएंगे क्राउन के पास लोन लेने के लिए। तो क्राउन लेके आता है 1733 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के, जिसके साथ वारन हेस्टिंग को भेजता है एज ए गवर्नर बना के, बंगाल का गवर्नर बना के। और जो है ये सबसे पहले आकर के जो है वारन हेस्टिंग एक काम करता है कि ड्वेल गवर्नमेंट की वजह से जो वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, तो उसको 1773 में ही आके उसको एबोलिश करता है। तो एक बार अगर हम रिकेप कर ले कि हमने जो है अब तक क्या देखा कि बंगाल की कंडीशन में, तो बंगाल जो है एक काफ़ी प्रॉस्पोरियस रीजन बन जाता है मुर्शिद कुली के रीजन में। वो 27 साल तक रूल करता है 1700 से लेकर के 1727 में। फिर सुजाउद्दीन आता है, फिर सरफराज आता है, तो 1739 में ही जो है अलीवर्दीन खान के द्वारा जो है हत्या कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के टाइम पे कॉन्स्पिरेसी होता है घसीटी बेगम, ओमी चंद और मीर जाफर इन सब के द्वारा, और रॉबर्ट क्लाइव आता है, और जो है यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होती है, सिराजुद्दौला मर जाता है। फिर जो है कॉन्स्पिरेटर है मीर जाफर, तो उसको बना दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है मीर कासिम, देन बैटल ऑफ बक्सर होता है, फिर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद होता है, दो ट्रीटी, और जो मुग़ल अम्पायर का जो राजा है शाह आलम टू, उसको दिल्ली से हटा दिया जाता है, उसको इलाहाबाद में भेज दिया जाता है। फिर 1765 में ही जो है ड्वेल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाता है, और वारन हेस्टिंग आते हैं इस ड्वेल गवर्नमेंट को जो है एबोलिश करते हैं। तो हम दोस्तों हमने देखा कि बंगाल को कैसे जो है ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे उसको जीतते हैं, और जो है यहाँ कैसे ग्रेट फैमाइन आते हैं। तो इन सब की जो कॉजेज है सबको हमने काफ़ी अच्छे से समझा। अगर आप वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड दोस्तों तो ज़रूर शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जो है नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।